मेरे फैमिली में और मेरे कुछ बहुत जानकार लोग, उन्होंने मुझे मना भी किया कि मत करो, आई कैन गेट इन टू प्रॉब्लम. यादव जी केला छीलिए. एंड दैट इन्फ्लुएंसर वाज ज़ैप्ड. That's the power of your mind. आपका दिमाग इतना बलशाली है कि आपको उसके बल का अंदाजा भी नहीं है. अगर अपने दिमाग को आप सही तरह से ट्रेन करें तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है. ऐसी चीजें आपने बहुत से माइंड रीडर्स, बहुत से लोग जो कहते हैं हम आपका दिमाग पढ़ सकते हैं, हमने अपने दिमाग को ट्रेन किया है, कहते हैं ना, आप विश्वास कर लेते हो ना. आज के मेरे इस व्लॉग में मैं दो बड़े इन्फ्लुएंसर्स का रेफरेंस लेने वाला हूं और दो बहुत बड़ी चीजों को क्लैरिफाई करने वाला हूं. उनमें से पहली चीज थी ये, द वर्ल्ड ऑफ माइंड रीडर्स. ये जो मैंने किया कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हो. ये तो एक मामूली सी ट्रिक है. आपने बहुत से माइंड रीडर्स देखे होंगे ना, अपने व्लॉग पे आते हैं, कहते हैं आपके कैमरे में देख के, आपका दिमाग मैं पढ़ सकता हूं, मेरे में शक्ति है कि मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूं. चलिए डी से एक कंट्री का नाम सोचिए. डी अल्फाबेट डी से एक कंट्री का नाम सोचिए. मैं आपके दिमाग को पढ़ रहा हूं डेनमार्क. क्या आप डेनमार्क सोच रहे थे? अगर 100 में से 80 लोग भी डेनमार्क सोच रहे थे, जो सोच रहे होंगे, क्योंकि डी से कंट्रीज ही कितनी हैं जो पॉपुलर हैं. ऑब्वियसली ये छोटी सी ट्रिक है. तो मैं आज कहा कि दो चीजें करने वाला हूं. पहली चीज माइंड रीडर्स. क्या मैं माइंड रीडर्स के अगेंस्ट हूं? नहीं, ये बहुत खूबसूरत आर्ट है. मुझे खुद एक टाइम पे बहुत अट्रैक्ट किया था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, बड़ा मजा आता है. लेकिन मुझे प्रॉब्लम किस चीज से है कि आप दवाई जिस पुड़िया में बांध के बेच रहे हो वो पुड़िया ठीक नहीं है कि मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं. क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी किसी का भी दिमाग नहीं पढ़ सकता दोस्त. इस बात को आप अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा लीजिए, बसा लीजिए. साल 2010 था और अमृता को एक बात प्रूव करने के लिए एक चैलेंज मैंने उठाया था. और दैट इज द टाइम मैंने ये सब चीजें सीखी थी. अब जब ये सब चीजें सीखी और मैंने अमृता के सामने ऐसी कुछ चीजों को, मुझे बस प्रूव करना था पॉइंट, वो मैंने प्रूव कर दिया अपना पॉइंट. मेरे को बड़ा मजा आया. मैंने कहा यार तो बड़ी सही चीज है, मैं तो खुद परफॉर्मर हूँ, मैं इतने सारे लाइव कॉर्पोरेट शोज करता हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा उसमें भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, कितना मजा आएगा. तो मैंने अपने एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट शो में एक ऐसा एक गिमिक, तो सो कॉल्ड माइंड रीडिंग को इनकॉर्पोरेट किया. तो आप कैसे कीजिए, अपने इस मतलब इस केले को दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए. आपके सामने यादव जी फ्रॉम राजस्थान बिना छीले इस केले को यहां पे काट के दिखाएंगे. ऑलराइट, ऑलराइट, ये सुपरस्टार्स का मैच यहां पे आपको आपके सामने होगा. यादव जी केला छीलिए. केला छीलिए, आपने केला काट दिया है. केला छीलिए, ये केला आपने ऑलरेडी काट दिया है. सबको दिखाइए. दैट्स द मैजिक ऑफ आवर सुपरस्टार्स. तालियां बजी, खूब खुश हुए लोग. और उसके बाद मुझसे किसी ने आके पूछा, अनमोल आप दिमाग पढ़ सकते हो ना, शायद आपके पास कुछ पावर्स हैं, मेरे घर पे कोई बीमार है, आप उसको ठीक कर सकते हो. दैट्स इट, मेरा दिल टूट गया. एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई डिड दैट. क्योंकि भाई किसी के अंदर वो पावर नहीं है कि वो आपके दुख को हर ले. आपको ही अपने दुखों को पछाड़ना है दोस्त. किसी में कोई पावर नहीं है जो आपके दिमाग को पढ़ ले. ये प्रूफ करने के लिए मेरा माइंड रीडर से कोई बैर नहीं है. इट्स अ गिमिक. अब ये बोल के बताइए कि ट्रिक है, हाथों का खेल है, जादुई है, जो भी कहिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो छल है और आप उस छल में आ रहे हो. ये मुझे बुरा लगता है. बिकॉज़ आई लव यू गाइस एंड आई डोंट वांट यू टू बी ब्लाइंडफोल्डेड बाय ऑल दीज थिंग्स.
राइट जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुले, हमारे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर उन्होंने भी बीच में माइंड रीडिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने भी बंद कर दी। शायद उनको भी वही लगा होगा जो मुझे लगा होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि दिमाग वो किसी का नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्यों खाम खाम में दुनिया को बेवकूफ बनाना, जबकि उनके शब्दों में इतनी पावर है कि वो दुनिया को मोटिवेट करते हैं। उन्हें लगा होगा छोड़ दे यार, तो आई एम ग्लैड दैट हैपेंड, बिकॉज माइंड रीडिंग इज लाइक, जैसे जादूगर बोलते थे, हाथ की सफाई है। इसमें बहुत सी ट्रिक्स, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है। नाउ दूसरी चीज जो आपके सामने रखने वाला हूं, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, वो है हमारे कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर उठ के बैठना पड़ेगा। आओ साहब, ऊपर बैठ जाते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, थोड़ा सा जीवन में भी ऊपर उठना अच्छा है, हम भी ऊपर उठ गए, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के क्या कहते हैं उसे चैनल पे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर आए, और उन्होंने आकर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उससे बुद्धि विलास होता है, यानी कि आपके दिमाग की कुछ परतें खुलती हैं, कुछ वो बादल आपके बादल आपके दिमाग के सामने होते हैं, वो छट जाते हैं। और फिर बातें करते 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 उन्होंने बीच में उस इन्फ्लुएंसर को कहा, देखो मैं ये हवा को, ये ऐसे मुट्ठी में उन्होंने बंद किया, और फिर उन्होंने उसको ऐसे 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 कर कर और उसके सामने रुद्राक्ष निकाल दिया, और फिर उसके बाद एक मोरा मैंने छेद भी कर दिया। एंड दैट इन्फ्लुएंसर वॉज जैप्ड, ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे हो गया? आई एम श्योर उनकी बाकी टीम भी ऐसी कैसे की, यार ये कहां से आ गया? अब जो लोग हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं और पहले की बात मेरी सुन चुके हैं, तो वो समझदार लोग क्या करेंगे, अभी इसी वक्त पॉज करेंगे और फिर वो थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे मेरे इस व्लॉग को, और फिर जाके देखेंगे कि मेरा जो राइट हैंड है या मेरा लेफ्ट हैंड है उसकी मूवमेंट कैसी थी, वो हाथ कहाँ रखा था, उस हाथ की पोजिशनिंग कैसी थी, मैं बात कैसे कर रहा था। और फिर वो समझदार लोग ये समझेंगे कि यार अनमोल ने खुद ही बताया था ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, तो इसने कुछ तो कुछ किया है, कोई तो ट्रिक की है। फिर वो जाके ध्यान से मेरा हाथ देखेंगे और वो देखेंगे कैसे बात करते करते मैं अपने हाथ को हमेशा यूं रख के बात कर रहा था, क्योंकि ये मेरे हाथ के पीछे यहाँ पे मैंने छुपा रखा था। वो कहेंगे अरे वाह, हमें तो समझ में आ गया, लेकिन वहाँ आपने ये चीज़ नहीं की। वहाँ करते तो आपको वहाँ पर भी समझ में आता कि कैसे उन्होंने अपना हाथ पूरे वक्त एक राइट हैंड ऐसे रखा हुआ है, और उसके बाद उनके हाथ की, जब रुद्राक्ष आता था तो हाथ की मूवमेंट ही अलग हो जाती है। नाउ व्हाई एम आई डूइंग दिस, यार मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे फैमिली में और मेरे कुछ बहुत जानकार लोग, उन्होंने मुझे मना भी किया कि मत करो, आई कैन गेट इनटू प्रॉब्लम्स, बट यू नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज़ व्हेन आई सी यू गाइस, जब मैं आप लोगों को देखता हूँ कहीं किसी चैनल पे, किसी बहुत बड़े महागुरु के सामने जो चमत्कार दिखाते हैं, हवा में से भस्म निकाल देते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, आप बड़े दुख के साथ उनके सामने जाके बैठते हो, बोलते हो मेरा दुख हर लीजिए, मैं क्या करूं, वो कोई एक इलाज दे देते हैं, किसी व्रत का, किसी कुछ का, किसी कुछ का। आप अपने दुख के साथ उनके सामने जाके बैठते हो और वो कोई चमत्कार, या सोचते हो कुछ आपके सर पे अपना हाथ रख देंगे और आपके दुखों को हर लेंगे, तो मेरे दोस्त ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने भी क्या कहा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपको अपनी खुद की रक्षा करनी होगी, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा, आपको वर्कआउट कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढिए कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना पाएं। हर चीज़ में अच्छी चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ में अच्छी चीज़ ढूंढिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाइए, अपने मन को और ज़्यादा पक्का कीजिए दोस्त। आज में रहिए, मन को भटकने मत दीजिए आगे पीछे, आज में इस वक्त में रहिए, अपनी सांस पे अपना ध्यान लेकर आइए, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज यू आर द वन हु कैन गेट यू आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। एक ही रिक्वेस्ट है, अंधविश्वास मत कीजिए। अंधविश्वास मतलब अंधा विश्वास, आप किसी पर भी अंधा विश्वास मत कीजिए, सवाल करने से कतराइए मत, ये है तो क्यों है, ये है तो कैसे है, कोई कैसे मेरा दिमाग पढ़ सकता है, इसकी परतों में जाइए, खुद घुसिए। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने दुख अपने सुख दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और अंधविश्वास में
कभी भी ना पड़े। I don't know if this video helped you. I don't know. Did it help you, Rutvik? He says he did. So if it helped you, share it with one more person. किसी एक के साथ एक share करो, एक comment डालो. मुझे भी मालूम चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ. ठीक है? बाकी तो क्या है? Couple of things पे प्यार बांटते चलो दोस्त. प्यार बांटते चलो.